शांति का राजा चैनल के दर्शकों को जय यीशु। इस चालीसा के अवसर पर हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं भक्ति यानी डिवोशन पे। डिवोशन का अर्थ है किसी के प्रति सच्चा प्रेम या उत्सुकता दिखाना। हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हम कई तरह के भक्ति अपनाते हैं। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्रूस का रास्ता करते हैं, रोजरी बोलते हैं, कई संतों के प्रति भक्ति दिखाते हैं। क्या हमारी यह भक्ति हमें प्रभु यीशु के पास ले जाती है? प्रभु यीशु हमसे कहते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6:1 में, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। प्रभु यीशु हमें प्रार्थना, उपवास और दान धर्म के बारे में सिखाते हुए कहते हैं कि हमें ढोंगियों की तरह नहीं बल्कि सच्चे हृदय से प्रभु के प्रेम के लिए सभी कार्यों को करना चाहिए। भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण हम पढ़ते हैं संत योहान का सुसमाचार अध्याय 12:1-8 तक। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस के घर भोजन करने आते हैं। तब मरियम एक सुगंधित द्रव्य को लेकर प्रभु यीशु के पैरों का विलेपन करती है और अपने केशों से पोंछती है। यह देखकर युदास उस पर भुनभुना कर कहता है, यह सुगंधित द्रव्य तो किसी को बेचकर गरीबों को पैसा दिया जा सकता था। इस पर प्रभु यीशु मरियम का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि गरीब तो तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं नहीं। मरियम की यह सच्ची भक्ति प्रभु को प्रिय लगी। स्तोत्र 19:15 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यही चाहते हैं कि हम उसे सच्चे हृदय से भक्ति करें। संत योहान के सुसमाचार में अध्याय 4 में प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, परंतु वह समय आ रहा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। उस स्तोत्रकार के साथ हम भी प्रभु से मांगे, हे प्रभु, मेरे मन में उठने वाले विचार और मेरे मुख से निकलने वाले शब्द, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। हाँ प्रभु, हमें आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करना सिखा, ताकि जो कुछ हम करें और बोले आपको प्रिय लगे और हम आपको ही प्रसन्न करते रहे और आपके प्रेम में बढ़ते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पे, आमेन।